नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन जो 27 सितंबर है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ही राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई थी। आज इनकी पुण्यतिथि है। ये जो आपके सामने ही है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के नाम से सभी लोग परिचित हैं, ठीक, क्योंकि उन्होंने इस समाज के सुधार में, महिलाओं की स्थिति के सुधार में और बाल सुधार में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में धार्मिक सुधार के लिए इनको ईश्वरीय दूत और युग दूत की संज्ञा दी गई है। देखने में ही देखिए कितने ज्यादा मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं समाज सुधारक के। उसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इन्हें नव जागरण का गुरु दूत कहा है। इसके साथ साथ इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पत्रकारिता का गुरु दूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 1772 ईस्वी में हुगली में हुआ था और इनके पिता जो रमाकांत थे वो बंगाल के नवाब के यहाँ कार्यरत थे। वहीं बंगाल के नवाब ने राजा राम मोहन राय जी को राय राया की उपाधि दी। जैसे आदमी छोटे सी वर्ष की अवस्था में तैयारी करने निकल जाता है, वैसे ये भी छोटे सी आयु में गृह को त्याग कर दिए और इन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी भाषा पढ़ते हुए हिमालय से तिब्बत होते हुए नेपाल पहुंचे, जहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया। उसके साथ साथ इनकी मुलाकात हरिहरानंद स्वामी जी से हुई, जिनसे इन्होंने तांत्रिक विद्या सीखी। और यही नहीं, राजा राम मोहन राय जी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य भी थे। इन तमाम भाषाओं के अलावा राजा राम मोहन राय जी को लैटिन, यूनानी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, हिब्रू, ये सभी भाषाएं आती थी। अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय जी कुल 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय जी 1803 से लेकर 1815 तक अपीलीय न्यायालय में थॉमस मुर्रो के यहाँ एक मुंशी के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद 1814 में इन्होंने आत्मसभा का गठन किया। आत्मसभा के तहत इन्होंने बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया। मूर्ति पूजा का खंडन इन्होंने अपनी पुस्तक 1803 में तूफातुल मुहाउद्दीन की रचना की थी, जिसको इंग्लिश में गिफ्ट टू मोनोथेटिस और हिंदी में एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले मूर्ति पूजा का खंडन किया। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के तहत इन्होंने एक समाज और एक ईश्वर पर बल दिया, अर्थात एकेश्वरवाद पर बल दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन तमाम विरोधों के बाद भी आत्मा की अमरता पर राजा राम मोहन राय जी को विश्वास था। इसके बाद राजा राम मोहन राय जी ने, इनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। इनके भाई जगमोहन की जब मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी अलका मंजरी को जबरदस्ती सती होना पड़ा, जिससे राजा राम मोहन राय जी को ये लगा कि ये जो महिलाओं के प्रति कुरूतियां इनको समाप्त कर देना चाहिए। तो 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, जो कि एक सबसे बड़ी कुरूति थी कि पति के मरने के बाद उसी चिता पर पत्नी की मृत्यु। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक्चुअली राजा राम मोहन राय जी तो ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक जरूर थे, लेकिन ये भारतीय शिक्षा को भी उच्च कोटि तक ले जाना चाहते थे। एक स्कॉटिश व्यक्ति थे, उनका नाम था डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की। पत्रकारिता के रूप में देखा जाए तो इन्होंने संवाद कॉमेडी की रचना की। एक्चुअली इन्होंने सबसे पहले जो सती प्रथा का खंडन किया इन्होंने संवाद कॉमेडी में किया। 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार की रचना की। इसके साथ साथ प्रज्ञा के चांद की रचना की। इन्होंने तमाम पत्रिकाओं के संपादक रहे, जिसकी वजह से इन्हें पत्रकारिता का हम अग्रदूत भी कहते हैं। इसके बाद ये अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में, ठीक, या अकबर द्वितीय की सहायता के लिए, उसकी पेंशन की सिफारिश के लिए इन्हें ब्रिटेन अकबर द्वितीय ने भेजा और अकबर द्वितीय ने इसी समय राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी। और ये ब्रिटेन में अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए गए और ये पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके विदेश गए थे, अर्थात समुद्री रास्ते से ब्रिटेन गए थे। और वहीं पर 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी समाधि जो है वहीं इंग्लैंड के या लंदन के ब्रिस्टल में है। राजा राम मोहन राय की इस पुण्यतिथि पे उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज महिलाओं की स्थिति में जितना सुधार हुआ, जो इतना सुधार इन्होंने छुआछूत, पर्दा प्रथा, तमाम चीजों का भी विरोध किया, आज के देश में, आज के हमारे देश में जो समानताएं व्याप्त हैं, तमाम कुरूतियां जो समाप्त हो चुकी हैं, वो ऐसे ही महान समाज सुधारक की वजह से हुआ जिन्होंने धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की। तो ऐसे महान व्यक्ति को सत सत नमन।
ये था राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ खास बातें। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।